नमस्कार दोस्तों, गोहिल सोइंग मशीन की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं डार्निंग फूट का डेमो, जो यहाँ पे है डार्निंग फूट विथ ग्लो सेंक। ये 32 फुट की किट है, आज हम आपको उसमें से डार्निंग फूट का डेमो दिखाने वाले हैं। तो पहले हम आपको डार्निंग फूट ले लेंगे। ये है डार्निंग फुट। ये डार्निंग फुट में ये जो खांचा दिया गया है वो आपको प्रेशर फुट जहाँ टाइट होता है वहाँ पे करना है। ये खांचे में आपका स्क्रू टाइट होगा। ये जो पॉइंट दिया गया है वो कपड़े को दबा के रखता है, उससे आपका कपड़ा दबके रहेगा और उससे आप एम्ब्रॉयडरी कर पाएंगे। ये जो है जहाँ से नीडल टाइट होती है वो चुटकी के पीछे की साइड पे आएगा। ये डार्निंग फुट से आप कपड़े में आप कोई भी फटा हुआ कपड़ा है उसको रफू कर पाएंगे और एम्ब्रॉयडरी कर पाएंगे। ये फुट लगा के अब हम आपको बताने वाले हैं, तो हमारा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और उसके अलावा इसके बाद में हम आपके लिए गैदरिंग फुट का डेमो लेके आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन दबाइएगा, उससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो अब हम आपको ये फुट कैसे लगता है वो बताएंगे मशीन पे लगा के। ये जो डार्निंग फुट है अब हम आपको कैसे जो मशीन में लगाना है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपका ये जिगजैग का फुट निकाल दीजिए। अब ये डार्निंग जो फुट है वो आप लगाएंगे, उसको कैसे लगाना है वो हम आपको बताएंगे। इसको आपको यहाँ पे लगाना है और सुई की जो चुटकी है उसके ऊपर उसकी डंडी रहनी चाहिए। और अब आप आपको ये स्क्रू टाइट कर दीजिए। अब हम आपको सबसे पहले इसका टेंशन आप चार पे कर दीजिए और सिलेक्टर को एक के ऊपर कर दीजिए और इसको एक पे ऊपर रखिए। अब हम आपको कोई भी ये जो फैब्रिक्स है उसको हम आपको रफू करके बताएंगे। ये देखिए अपना जो कपड़ा फटा था वहाँ उसको रफू हो गया है और ये कपड़ा सही हो गया हुआ है। तो रिंग में आपको मोनोग्रामिंग करके बताएंगे। इसके लिए आपको टेंशन 3 पे कर दीजिए, सिलेक्टर को आपको सी पे रखना है और ये जिगजैग पैटर्न हो गई, जिगजैग पैटर्न से आपकी एम्ब्रॉयडरी हो पाएगी और इसको एक के ऊपर रख दीजिए।
उससे आप कोई भी एम्ब्रॉयडरी भी कर पाएंगे, आप अपने हाथ से मोनोग्राम भी बना पाएंगे। ये देखिए, हमने ये आर लिख के रखा हुआ है। अब हम आपको ऑफलाइन बॉर्डर बना के बताएंगे। उसके लिए आपको सिलेक्टर ए पे रखना है और उसकी लेंथ आपको 2 पे रखनी है। ये हम आपके लिए पुल बना रहे हैं। ये पुल की हमने आउटलाइन बना दी है। ये देखिए, ये ऑफलाइन बॉर्डर हो गई। इस ये डार्निंग पुट से आप एम्ब्रॉयडरी भी कर पाते हैं और कोई भी कपड़े में रफू भी कर पाएंगे। ये जो पुट है, ये एम्ब्रॉयडरी काम में और आपको रफू करने के काम में लगता है। ये डार्निंग पुट है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।